अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अप्लायंसेस किंग। जनाब, इको स्टार का ये इन्वर्टर एसी है और इतने सारे फीचर्स इस पर लिखे हुए हैं, दिखने में भी खूबसूरत है और क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। पाक कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मौसमियात पर मैं मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तमाम ही किस्म की अप्लायंसेस यहाँ पर मौजूद हैं। सही है, आप सिर्फ नाम लीजिए और आपको तमाम अप्लायंसेस यहाँ पर मुहैया हो जाएंगी, चाहे वॉशिंग मशीन हों, चाहे फ्रिज हों, एसीज हों, सही है, माइक्रोवेव ओवन हों और गीज़र्स, डेफिनेटली गीज़र्स। सही है, तो आइए इस एसी की तरफ बढ़ते हैं। इन्वर्टर एसी है और उसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, ये इको स्टार का एसी है, 1.5 टन का, हीट एंड कूल है और कंडेंसर जो इसके अंदर लगी हुई है मेरे भाई 100% कॉपर में, 20 गेज इसकी कंप्रेसर की मोटाई है। दूसरी बात यह है 100% कॉपर में, इसके अंदर जो वारंटी आपको दे रहे हैं मेरे भाई, 10 साल कंप्रेसर की वारंटी दे रहे हैं, 4 साल पीसीबी किट की वारंटी दे रहे हैं, 2 साल एवापोरेटर कंडेंसर की वारंटी दे रहे हैं, 1 साल पार्ट्स एंड सर्विस की वारंटी दे रहे हैं। वारंटी जो आपको 2 साल एवापोरेटर कंडेंसर की दे रहे हैं, ये कोई भी कंपनी नहीं देती है सिवाय ग्री और इको स्टार के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये इन्वर्टर है तो बिजली का बिल ज़्यादा आता है, कितना आता है, कितना कम आएगा? सर, अमूमन अगर आप कोई भी ब्रांड उठा लेते हैं, वो आपसे लेते हैं 5.5 एम्पेयर शुरुआत में आपका लेंगे तो आके वापस लॉक होंगे, ये है 3.2 एम्पेयर पे लॉक होंगे। इको स्टार हो गया, ग्री हो गया, ये शुरुआत में आपसे लेंगे मेरे भाई 5 एम्पेयर। दूसरी बात यह कि ये जैसे ही कूलिंग मेंटेन हो जाती है कमरे के अंदर तो ये आके लॉक होगा 1.5 या 2 पे लॉक हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कितना बड़ा कमरा हो, मतलब 12x12 तो एक नॉर्मल कमरा होता है, अगर मैं लूँ 18x16 का कमरा या 16x18 का कमरा तो कितनी देर में कूलिंग कर देगा ये? सर, अगर आप 18x16 के कमरे में अगर आप 1.5 टन का लगाते हैं ना, तो आपका ऐसे समझ है कि आधे घंटे के अंदर आपको कूलिंग मेंटेन करके देगा। अच्छा, शानदार। ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के साथ है, GWP के साथ है जनाब, और इसमें जो है वो एफिशिएंट कॉस्ट एंड लेस कॉस्ट लेस टू ऑपरेट है। सही है, सेल्फ क्लीनिंग जैसे कि होती है, और किसी में कम पोटेंशियल होता है, किसी में कम पावर होती है सेल्फ क्लीनिंग की, किसी में अच्छी होती है। इसमें बहुत अच्छी बेहतर पावर है सेल्फ क्लीनिंग की और बहुत अच्छे तरीके से सेल्फ क्लीनिंग करता है, यानी कि हमको जो ना वो इस तरीके से नहीं मिलता कि हमने सेल्फ क्लीनिंग की जनाब, एक ही बार में उसने धुआं निकाला ठंडा ठंडा, हम समझे भाई वाह 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 सेल्फ क्लीनिंग हो गई, नहीं, प्रॉपर सेल्फ क्लीनिंग ही है। सही है, लेबरिंथ डिज़ाइन पीसीबी। अच्छा, ये जो ना ये बड़ा चक्कर है, इसमें जो इसका पीसीबी कार्ड है ना, वो ज़रा आप समझें, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है इस दफ़े इन लोगों ने। डस्ट प्रूफ है, मॉइस्चराइज़र है, शॉर्ट सर्किट है एंड रेन है, यानी कि अगर आपके घर में कहीं से पानी गिर रहा है, सही है, और ये वहाँ रखा हुआ है तो एसी आपका जनाब इन्वर्टर तो आप ये भूल जाएंगे, उसका पीसीबी कार्ड तो मुक गया। नहीं भाई, पीसीबी कार्ड वाटरप्रूफ है, रेन प्रूफ है। सही है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसका इन्होंने जो लेबरिंथ जो सिस्टम है वो उसका उन्होंने ऐसा बनाया है कि उसके अंदर पानी जाएगा ही नहीं, और दूसरा ये कि ये एक तो शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा, मॉइस्चर प्रूफ है, सही है, डस्ट प्रूफ है, तो इसमें जो ना मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म का रोना पीटना तो नहीं होना चाहिए। सही है, अमूमन हम लोग जो ना वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं यार, पीसीबी कार्ड उड़ गया ना तो बस समझ लें कि एसी के पैसे तो गए। अच्छा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है इसमें, ईपीसी, सही है, ये एक इन्होंने नई चीज़ है, गोल्डफिन। जैसे ही आप इसका कवर खोलते हैं सफाई के लिए इसका, जैसे ही आप कवर खोलेंगे तो इसका पूरा सिस्टम जो है वो आपको कॉपर पे नज़र आएगा, शानदार चमकता हुआ कॉपर होगा, खूबसूरत प्योर कॉपर होगा, तो गोल्डफिन बहुत आला, बहुत शानदार। अच्छा, एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है ना वो अब मैंने इसमें देखी है, इस एसी में, ये है 4D। यार ये 4D है, ये इन्वर्टर एसी 4D है, यानी कि चारों तरफ हवा देगा, ये सिर्फ एक तरफ नहीं देगा कि आप 12x12 या 14x12 14x15 या 16 के कमरे में बैठे हुए तो जनाब आपने 1.5 टन का एसी दे दिया, जहाँ आपने जो ना वो सिम्त भी तयन कर ली कि मैं यहीं बैठूंगा, यहीं सोऊंगा, यहीं उठूंगा, भाई ये चारों तरफ ठंडक देगा, चारों तरफ हीटिंग देगा, तो सर्दी हो या गर्मी
रूम को प्रॉपर तरीके से ऑन करके, इसको ऑन करके बैठ जाइए, परेशान ना हो बिल्कुल भी। सही है। अच्छा, वाईफाई भी है और यूएसबी कनेक्टिविटी भी इसमें दी हुई है विद कन्वीनियंस, यानी कि और क्या चाहते हैं आप। मोबाइल से कनेक्टिविटी है प्रॉपर, आप आए आपने जी टाइमिंग सेट कर दी मोबाइल से और ऑन हो गया ये। अच्छा, इसमें क्विक कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब जो ना वो जानदार और शानदार है। क्विकली हीट करेगा, क्विकली कूलिंग करेगा। अब जैसे कि इन्वायरमेंट ग्रीन में, इन्वायरमेंट में होता है ना, ये तो पाकिस्तान में तो नहीं है, मगर जब आप कहीं बाहर होते हैं तो आपको पता होता है कि जैसे यूरोप के ममालिक होते हैं, वहाँ पे ग्रीन इन्वायरमेंट के चक्कर में ना वो लोग, इसमें एक अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा इसमें ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए, कि वो लोग इसको उस मोड पे ले जाते हैं और उस मोड पे ले जाके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके मॉइस्चर वगैरह का चक्कर ज़्यादा होता है। सही है। तो इक्विपमेंट ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उससे बचने के लिए इन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया। ये अब नॉर्मल एसीज में होता है। सही है। मगर इन्होंने ये भी चीज़ इसमें इंक्लूड कर दिया। सही है। अच्छा, एआई टेम्परेचर कंट्रोल है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इसमें इन्होंने लगाया हुआ है। बहुत ही आला लो वोल्टेज ऑपरेशन, यानी कि लो वोल्टेज, मिसाल के तौर पे अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेंटेन कर लेगा, फिर भी आप एहतियाती तौर पे, क्योंकि भाई मशीन है। सही, इंसान का पता नहीं होता, मगर मशीन है, तो आप जो है वो इसकी एहतियात ज़रूर कीजिए, और फौरी तौर पर, मतलब ऐसा भी नहीं होगा आप हड़बड़ाहट मचाएं और चार चीज़ें घर की गिरा दें थोड़े से तो बेहतर ये है कि जो ना आप इसको सेटल डाउन कर लें अपनी चीज़ों को। और अगर कोई मेरे रेफरेंस से आएगा तो क्या करेंगे आप? आपके रेफरेंस से आएंगे सर, फाइनल दे दूंगा 148 का। अच्छा, यानी कि डिस्काउंट भी मिल जाएगा। भाई आ जाइए, आ जाइए, इको स्टार 1.5 टन का एसी ले लीजिए, इतनी शानदार, इतनी सारी खसूसियात के साथ, और आपको ये एसी दोबारा नहीं मिलने का मेरे ख्याल से। तो बहुत आला, बहुत शानदार, और पाक कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मौसमियात पर आ जाइए, इको स्टार का ये इन्वर्टर एसी ले लीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अप्लायंसेस किंग।